फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेरी टेस्टी, हेल्दी एंड इजी रेसिपी। इसे बहुत जगहों पर बहुत नामों से जाना जाता है, दाल पिट्ठी, दाल चकली और दाल टिक्की। दाल पिट्ठी बहुत ही कम तेल मसालों से बनकर तैयार होती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है तो प्रेस करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दाल पिट्ठी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मिक्स दाल, जिसमें मैंने अरहर दाल और मूंग दाल को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है। इसे मैंने पहले अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। प्रेशर कुक करने के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है, तो इसमें ऐड कर दूँगी मिक्स दाल। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूं 1 चम्मच हल्दी। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूं पानी। कुकर में मैंने पानी डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसे मैं मीडियम लो पर 3 सीटी और लो फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इसे कुक करूंगी। तो जब तक हमारा दाल पक रहा है तो हम बना लेते हैं पिट्ठी। तो पिट्ठी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जरा सी नमक। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी 1 चम्मच मेल्टेड घी। इससे हमारा इसका फ्लेवर और पिट्ठी बनाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं मिक्स कर लूँगी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से, ताकि नमक और घी आटे में अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाए। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी और हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं वैसा ही डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिट्ठी का डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक डो लेंगे और सूखे आटे में डस्ट करेंगे। सूखे आटे में डस्ट करने के बाद एक रोटी का शेप बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। जैसे आप रोटी बनाते हैं उसे थोड़ी मोटी बनानी है, बस जैसी इसकी थिकनेस है बिल्कुल बस ऐसी ही होनी चाहिए हमारी रोटी। अब मैं यहाँ ले लूँगी 1 गिलास, इसे मैं एक गोल आकार का शेप दूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बनाकर मैं तैयार करूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम पिट्ठी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक राउंड पीस को मैंने ले लिया है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से पिट्ठी बना रही हूँ। इसे चारों तरफ से लाकर हमें पिंच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं और एक बनाकर दिखाती हूँ। एक राउंड शेप को लेकर आप इस तरह से
चारों तरफ से पिंच कर लेना है। इसी तरह से हम सारी पिट्ठियों को बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिंच आप अच्छी तरीके से बना लें ताकि हमारी पिट्ठी खुले ना। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारी दाल पककर हो गई है तैयार। मैं अब गैस की फ्लेम को बंद करूंगी। अब इसे ठंडा होने तक मैं वेट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी पिट्ठी को तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए, हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है, दाल हमारी ठंडी हो गई है। इसे मैं एक बार चलाकर मिक्स कर दूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिट्ठियाँ। तो फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें पिट्ठियाँ एक साथ दाल में नहीं डालनी है, एक एक करके डालनी है, नहीं तो हमारी सारी पिट्ठियाँ टूट जाएंगी। एक एक करके ही पिट्ठी ऐड करें दाल में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके दाल में पिट्ठी डाल रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी पिट्ठियाँ दाल में डाल दी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसका लीड बंद करके हाई फ्लेम में एक सीटी आने तक कुक करूँगी। एक सीटी ही फ्रेंड्स लगाना है, ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें एक सीटी आ गई है। अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे बंद, और इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ठंडा हो जाएगा तो इसका लीड खोलकर देखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारा कुकर ठंडा हो गया है। अब मैं इस तरह से प्रेशर कुकर का लीड खोल रही हूँ। तो देखिए, हमारी जो पिट्ठियाँ हैं वो साइज़ में डबल हो गई हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो पिट्ठियों में अब हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। कढ़ाई को गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच सरसों का तेल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा। एक कटी हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियां जिसे मैंने धोकर बारीक काट लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे मैं 1 मिनट तक भूनूंगी। इन सभी चीज़ों को भूनने के बाद मैं ली हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज। इसे भी चारों तरफ से मिलाते हुए मैं 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक कुक करूंगी। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का ही कुक करना है। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सभी के कुक होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसे भी मैं चारों तरफ से मिलाते हुए कुक करूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ सूखे मसाले। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर,
एक छोटा चम्मच जीरा गुलकी पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि मैंने दाल पकाने में भी नमक को ऐड किया था। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले एक में मिल जाएं, भून जाएं और पक जाएं। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा तड़का भी अब तैयार है। अब मैं थोड़ा थोड़ा तड़के में दाल पिट्ठी को डालूंगी, एक एक करके डालूंगी ताकि हमारी पिट्ठी टूटे ना। आप सभी फ्रेंड्स भी पिट्ठियों को धीरे धीरे करके डालें, नहीं तो हमारी पिट्ठी की फूल टूट जाएगी। अब इसे हल्के हाथों से मिलाकर चलाना है ताकि इसका फ्लेवर पिट्ठियों में आ जाए। अगर आप फ्रेंड्स रोटी सब्जी खाते खाते बोर हो गए हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसमें बहुत कम मसालों का यूज़ होता है और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें जाता है दाल और आटा। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए, आप सभी को पसंद आने वाली है। तो हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम तक कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर हमारी पिट्ठियों में आ जाएं। अब देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है हमारा। अब हम लास्ट में ऐड करेंगे धनिया पत्ता। इसे भी मैं हल्के हाथों से चलाऊंगी ताकि हमारे ये दाल पिट्ठी धनिया पत्ते के फ्लेवर में मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग दाल पिट्ठी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।